सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी का मामला बताया जा रहा है और यह से बड़ी खबर, महिलाओं ने सांड से जान बचाई, महिलाओं पर सांड ने हमला कर दिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी का यह मामला है। किस तरह से एक सांड ने महिलाओं को दौड़ा लिया, महिलाएं वहां से भागकर अपनी जान बचा रही, लेकिन सांड से बचकर महिलाएं भागती हुई। औरैया का यह मामला है, कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी में देखिए किस तरह से एक सांड का आतंक दिखाया। आवारा सांड लोगों को दौड़ा रहा है, लोगों की जिंदगी पर भी इसका असर हो सकता है। लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का तीसरा रीजनल कॉन्क्लेव हुआ और इस दौरान प्राधिकरणों को दो दिवसीय कॉन्क्लेव का सीएम योगी ने उद्घाटन किया। कॉन्क्लेव को संबोधित किया सीएम ने। लखनऊ में आयोजित इस कॉन्क्लेव में 9 राज्य शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में असम, बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल इसमें हिस्सा ले रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ यूपी के अंदर कार्य कर रही है, एनडीआरएफ वाराणसी और गाजियाबाद में काम कर रही है। एसडीआरएफ की 3 बटालियन हम लोगों ने 2017 में गठित की थी और उनकी अच्छी ट्रेनिंग देने के साथ ही उस कार्यक्रम को आगे तो बढ़ाया गया है। पीएसी की 17 ऐसी कंपनियां हम लोगों ने गठित की है जो फ्लड यूनिट के रूप में और आपदा के समय में कहीं भी राहत कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहती है और वह भी उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में चल रहा है। खतौली में सीएम योगी